खबर दोसा से, सचिन पायलट पहुंचे दोसा और राजेश पायलट को श्रद्धा सुमन की अर्पित। उन्होंने बताया कि प्रदेश जन और प्रदेश के आम नागरिकों का बहुत आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ लिख जाएंगे तो उन पदों पर बैठेंगे जिन पदों पर नीतियां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश में आपसी भाईचारा और प्रेम व्यवहार बना रहे और जो गाँव के लोग हैं, पिछले वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन लोगों के जीवन को बेहतर नहीं बनाते हैं। मैं समझता हूं कि देश वास्तविक तौर पर विकसित देश नहीं बन सकता। आज उन सभी सिद्धांतों का अनुसरण करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज हम सब साथ ही मिलकर प्रण लेते हैं कि जो पायलट ने कहा कि हम सबके बीच में जो जुड़ाव रखा है और इन 20 सालों में उन्होंने लोगों के दिलों को छुआ है, मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि जो कार्य कर रहा हूं उसमें सफल हो जाऊं और हम उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस सर्वधर्म सभा में सचिन पायलट, मंत्री ममता, भूपेश विधायक, राकेश पारिख, जीआर खटाना, इंद्रा मीना, वेद प्रकाश सोलंकी मौजूद रहे। आशीर्वाद और प्यार लगातार बढ़ा है। मैं क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता और देश के आम नागरिकों का बहुत आभारी हूँ कि मुझको मेरे परिवार को लगातार के गुजराने के बाद 22 सालों में असीम स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिला है। आज मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा ज़रूरत है सिद्धांतों का पालन करने की, जिस पर देश की नींव बनी थी, जिसका स्वर्गीय पायलट साहब ने हमेशा पहले भी करी। उन्होंने शुरू से कहा कि गरीब और किसान के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो पदों पर बैठेंगे जिन पदों से देश की नीतियाँ बनती हैं, और आपसी प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे की मदद करना, सबको साथ लेकर चलना, और इस देश में जब तक हम गांव में रहने वाले जो किसान वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उन लोगों के जीवन को बेहतर नहीं बनाते हैं, मैं समझता हूँ देश वास्तविक तौर पर एक विकसित देश नहीं बन सकता। आज उन सिद्धांतों का अनुसरण करना मैं समझता हूँ सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं, हम सब साथी आज प्रण लेते हैं कि पायलट साहब ने जो कहा कि अपने जीवन में एक स्वच्छ छवि, एक जनता के बीच जुड़ाव रखना, और इन और सिर्फ 20 साल राजनीति उन्होंने करी थी, उन 20 सालों में बहुत से लोगों को उनके जीवन को छुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस रास्ते पर चलने का मैं जो कार्य करने की कोशिश कर रहा हूं उसमें सफल रहूं, और आज हम सब उनको याद करते हैं। श्रद्धांजलि सर, बीजेपी के दावे फैल हो गए, कांग्रेस जीत गई, कल राज्यसभा के चुनाव हुए, इस बात को हम शुरू से कह रहे थे, पहले दिन से, कि हमारे पास बहुमत है और जितना हमारे को समर्थन हासिल है उसके आधार पर हम 3 राज्यसभा के अपने उम्मीदवार जिता सकते हैं, और पूरे देश ने देखा है कि हम लोगों ने हमारे 3 उम्मीदवारों को अच्छा बहुमत देकर जिताया है। सवाल ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी जोड़ तोड़ करने की, एक ऐसा भ्रम पैदा करने के राजस्थान में, वो बिल्कुल धराशायी हो गए हैं, चौपट हो गए हैं, और ये पूछना चाहिए कि जिस विधायक ने उनकी विद का पालना नहीं करी है, किसने उनको प्रेरणा दी, किसके कहने पर उन्होंने किया, ये उनका अंदरूनी मामला है भाजपा का। लेकिन मैं तक कहना चाहता हूँ कि एक विपक्ष का तत्व के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि लोकतंत्र को मजबूत करें, 2-2 प्रत्याशी उतार कर सिर्फ चुनाव कराने की मंशा थी, जनता में एक भ्रम फैलाने की कोशिश थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो लगातार बिखरता चला जा रहा है, और कल का जो प्रकरण